चलिए सर, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? अभी मैं सबके डाउट ले लेता हूँ, एक एक करके सभी का आंसर दे देता हूँ। स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, किस किस का क्या है। विकास गुड मॉर्निंग, निधि गुड मॉर्निंग, गुनगुन गुड मॉर्निंग, रिंकी गुड मॉर्निंग, विष्णु गुड मॉर्निंग, अभिषेक गुड मॉर्निंग, दिया गुड मॉर्निंग। खुशी का कहना है सर गुड मॉर्निंग, आई हैव एन डाउट कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर। बिल्कुल खुशी, कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में जो डाउट आपसे पहले बात हुई थी, आपने दिखाया था, उसमें से एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन मैं सामने कराने जा रहा हूँ। जो मैंने बोला था मैं क्लास में ही कराऊंगा, वही क्वेश्चन सामने कराऊंगा। और फर्स्ट डाउट सेंट, ओके देख लेता हूँ मैं अभी। कॉस्ट शीट 8, पिंकी कॉस्ट शीट को दोबारा कराएंगे, और 8 और 14 में डाउट है वैसे भेज दो, सॉल्यूशन के साथ भेजना, अपने सॉल्यूशन के साथ। और विष्णु वॉइस नॉट कमिंग नाउ, क्लियर होगा वॉइस चेक कर लीजिए। खुशी सर कौन सा क्वेश्चन वेयर करो, मैं क्वेश्चन नंबर वैसे अभी सामने डिस्प्ले हो जाएगा, सिंक हो रहा है फाइल, अभी डिस्प्ले हो जाएगा आपका। टेस्ट का रिजल्ट, बिल्कुल टेस्ट का रिजल्ट का भी पूछ के रिपोर्ट दे देते हैं। इंडिविजुअल डाउट कब है, इंडिविजुअल ही चल रहा है एक तरीके से। चलिए सर मुझे WIP में, हाँ WIP भी समझ में आ जाएगा, सपने को WIP में, तो अभी वो भी समझ में आ जाएगा। चलिए कहाँ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, निपट जाएगा डाउट, चिंता मत करो। कल न्यू चैप्टर करवाऊंगा मटेरियल, पहले मैं बता रहा हूँ, कल दोबारा से जैसे मटेरियल बीच में छूट गया था ना, तो कल न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं मटेरियल। कुछ बच्चों का इंटरनल एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम में कोई चैप्टर ऊपर नीचे हो रहा हो, प्रीवियस रिकॉर्डेड में नहीं मिल रहा हो, तो प्लीज व्हाट्सएप पे आप भेज दें, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको कस्टमाइज करवाऊंगा। एक बच्चे का आया था कि सर ये वाला पॉइंट करा दो, तो उसको आज कस्टमाइज करा के सभी के फोल्डर में अपडेट करा देंगे। क्वेश्चन 7 समझ में नहीं आए, ठीक है अभी देख लेते हैं। पहले आपके सामने कौन सा क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं, पहले जो मैं कराने वाला हूं ना, डाउट आया था वैसे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते मैं कहूंगा ऐसा। अरे आए नहीं, ये लो सिंक ही नहीं हो रही फाइल, अभी आ जाएगा। सर्च हो रहा है, हो रहा है, नेट तो चल रहा है भाई साहब।
इनके में इतना टाइम क्यों लेते हैं? चलो भाई, चलिए आपके सामने क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें बोला गया है बैलेंस शीट बनाना है और प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूं पहले। पहले बना ले फॉर्मेट। काफी बच्चों का डाउट में आया था ये सवाल। और एक बैलेंस शीट। ये है बैलेंस शीट और ये है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट 474 एंडेड। अब सबसे पहले ध्यान रखिए दैट इज ट्रायल बैलेंस। जब कभी भी
ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस गिवन हो, ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। कहाँ गया क्वेश्चन? हर किसी को विजुअल है बता दे फटाफट से, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है, विजुअल है तो मैं आगे स्टार्ट कर दूं इसको। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा, ओके चलिए। नाउ क्वेश्चन विजुअल है आपको, बताइए फटाफट, क्लियर? चलिए सर, बेसिकली इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास बात है जो कि हम कर रहे हैं, है ना? क्वेश्चन पहला ये है, मूव टू टॉप लेयर, ठीक है सर। इस क्वेश्चन की खास बात आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस देगा तो जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी आएगा ही आएगा। जैसे हमने कहा था कि इसके अंदर बड़ा आसान रहता है कि हमारा बैलेंस शीट मैच नहीं होता, लेकिन अगर एग्जामिनर ने ट्रायल बैलेंस दिया है तब तो मैच होगा ही होगा, ठीक है? यानी कुछ चीजें गिवन है कि कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रिसीव है ये, यानी ये कैश का पैसा है। ये पैसा किसका है सर? कैश का। बिल्डिंग दे रखा है आपको, दैट इज बिल्डिंग कितने का है आपका? 1,60,000, यानी ये एसेट्स में आ जाएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी में आ जाएगा, बैंक बैलेंस एसेट्स में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट कैपिटल में आ जाएगा, मटेरियल। अब सर जो कोई ट्रायल बैलेंस में कुछ भी गिवन होता है ना, हमेशा क्लोजिंग गिवन होता है, हमेशा याद रखिएगा। जब कभी भी ट्रायल बैलेंस में कुछ गिवन होगा, हमेशा ऑलवेज क्लोजिंग गिवन होता है, तो मटेरियल क्लोजिंग हो जाएगा ये। इसके बाद वेजेस दे रखा है, एक्सपेंस दे रखा है, प्लांट दे रखा है, ठीक है? अब बात करते हैं क्या कहता है। कहता है द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 4747। तो सर ये जो वर्क जो है ना 747 नंबर का, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बच्चा ये क्या दे दिया इसने 747, ये कहाँ मिलेगा इसका आंसर? तो ऐसा कुछ नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट का एक नाम रखा है, तो मैं इसे अगर हटा भी दूं तो मेरे किसी का फर्क नहीं पड़ेगा। कहता है इसने स्टार्ट किया जनवरी 2016 में, और ध्यान दीजिए ये है 31 दिसंबर 2016, तो एंड का ही है, वैसे भी पता चल गया आपको डेट से। तो जनवरी 2016 में स्टार्ट किया, जहां पे मटेरियल उसका लग गया 1,70,000 रुपए। तो भैया जनवरी में स्टार्ट करके मटेरियल लगाए, तो मैं साथ के साथ लिखता भी जाता हूँ, मटेरियल इधर आ जाएगा, टू मटेरियल 1,70,000, ठीक है ना? ट्रायल को बाद में खाली कर लेंगे। इसके बाद क्या कहता है, वर सेंट एट साइट कॉन्ट्रैक्ट दोज, कहता है कि उसको सेंड किया गया साइट पे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट दोज ऑफ 6,000 वर डिस्ट्रॉयड, एक्सीडेंट की वजह से डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है? वेजेस ऑफ, क्या लाइन है, वेजेस ऑफ, कुछ मिसिंग तो नहीं है, वेजेस के आगे अमाउंट है ना, चलिए मैं एडिट कर दूंगा। तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट 6,000, एक्सीडेंट वेजेस ऑफ 180। अच्छा ये नीचे आ गया, ये लाइन कहाँ है? प्रिज्यूम दैट प्लांट इन, हाँ ऑनर्स में भी कहा है ये लाइन भाई, हमारा टाइपिस्ट सही से टाइप नहीं कर रहा, इसको भी हटा देते हैं। वेजेस ऑफ 180 ऐसे पढ़ेंगे, वेजेस ऑफ 180। तो सर वेजेस कितने का हुआ? अब कहता है 6,000 का डिस्ट्रॉयड हुआ, तो सर डिस्ट्रॉयड होगा तो बाई साइड में जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा। अब डिस्ट्रॉयड का मतलब एबनॉर्मल लॉस, ABL लिख दिया, एबनॉर्मल लॉस कितने का सर? 6,000 का, और वेजेस लगाया तो यहाँ आ जाएगा टू वेजेस, कितने रुपए का वेजेस? 1,80,000, टू वेजेस 1,80,000। आगे कहता है वेयर द ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग 50,000 वॉज यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया प्लांट कितने का? 50,000 का, तो इधर आ जाएगा टू प्लांट
प्लांट कितने का यूज हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट में, 50। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ट्रायल बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो अगर इसके अंदर प्लांट आप देखोगे तो प्लांट यहां पे 2.5 लाख का है, तो ये ओवरऑल इनका होता है। हमें बनाना है सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है ना, जो हमें बनाना है सिर्फ किसका बनाना है, एक कॉन्ट्रैक्ट का, और ये होता क्या है ओवरऑल। यहां तक किसी को बताइए डाउट? चलिए एक पॉइंट और कर देते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आप डाउट पूछना होगा जिसको वो पूछ लेंगे। 1,80,000 रुपए तक हमने कर दिया है। इसके बाद क्या कहता है, प्लांट विद कॉस्ट 2 लाख वॉज यूज फॉर 1 जनवरी to 30 सितंबर, और जो 2 लाख का प्लांट है उसका भी इस्तेमाल हुआ, तो मैं लिख देता हूं 2 यहां प्लांट, एक और प्लांट, प्लांट कितने का, तो सर ये 2 लाख वाला ना कब तक यूज हुआ, सिर्फ 6 महीने यूज, 9 महीने यूज हुआ है। मैं अभी अलग से कैलकुलेशन समझाऊंगा जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा। कह रहा वॉज रिटर्न टू स्टोर, ठीक है सर, रिटर्न कर दिया तो बाय साइड में रिटर्न कर देंगे, हम करते थे ना बाय रिटर्न प्लांट, ठीक है सर। मटेरियल कॉस्टिंग 4,000 एट साइट 31 दिसंबर 2016, मटेरियल कितने का है हमारा, 4,000 रुपए, और यहां पे मटेरियल शो कर रहा है कितना हमें, 2 लाख रुपए, ठीक है ना। अब ये जो मटेरियल देता है कहता है मटेरियल ऑफ 4,000 रुपीज एट साइट 31 दिसंबर को, ठीक है सर, यहां लिख देंगे मटेरियल, बाय मटेरियल 4,000। अभी पूरा पढ़ लेते हैं फिर एक एक करके जितना करा है उसका डाउट पूछ लेंगे। कहता है द कॉन्ट्रैक्ट वॉज आपका 6 लाख, कॉन्ट्रैक्ट वॉज 6 लाख एंड कॉन्ट्रैक्टी पे ही 75%, 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें से 75% उसने पे कर दिया, तो 6 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड, 75% वर्क सर्टिफाइड है, यहां पे लिख लें बाय WIP, है ना, WIP और वर्क सर्टिफाइड 75%, तो 6 लाख का 75% निकल के 4.5 लाख, तो जी ये आ गया 4.5 लाख। आगे क्या कहता है, वर्क सर्टिफाइड 80% टोटल कॉन्ट्रैक्ट, कहता है वर्क सर्टिफाइड वॉज 80% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्क एट द एंड ऑफ 16, कहता है भैया लास्ट तक ना अंतिम छोड़ पे पहुंचते 80%, लास्ट में ना 38% तक हमारा, सर वीडियो पॉज हो गई, स्क्रीन सभी को ठीक दिख रहा है, एक स्टूडेंट कह रही है मेरे वीडियो पॉज हो गया, बाकी बच्चे बता दे जो बच्चे लाइव है स्क्रीन ठीक है, नहीं तो फिर रिफ्रेश करा जाए, बताइए। ठीक है तो खुशी आप अपना स्क्रीन दोबारा से बंद करके फिर एक बार चालू करें, क्योंकि बाकी बच्चों के दिक्कत नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं सर बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ तक, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं। चलिए तो वर्क सर्टिफाइड, अब ध्यान दीजिए वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या है हमारा, इसने क्या कहा लाइन को पढ़ते हैं, कहता है द कॉन्ट्रैक्ट वॉज 6 लाख, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख का है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख का है। आगे कहता है कॉन्ट्रैक्टी पे 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 75% वर्क सर्टिफाइड नहीं है, कहता है कि कॉन्ट्रैक्टी जो है ना वो पे करेगा, यानी जितना भी हमारा वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 75% पेड हो जाएगा। लेकिन सर ये इतना तो वर्क सर्टिफाइड है ही नहीं, तो पहले वर्क सर्टिफाइड निकालो, कहता है वर्क सर्टिफाइड जो है वो 80% है, 80% इसका सर, 80% मतलब 4,80,000, और 4,80,000 का 75% पे करेगा, तो आपका इसका पेमेंट देखोगे तो कितना बनता है, 3 लाख, सही से निकाल लिया ना, तो 4,80,000 तो यहां आ गया वर्क सर्टिफाइड में, 4,80,000, किसी को दिक्कत, 4,80,000 आ गया वर्क सर्टिफाइड में। यार क्या हो गया, गूगल ड्राइव बार बार बोल रहा है, ये दिक्कत।
कांट सेव टू द ड्राइव फाइल कैन नॉट अपलोड बिकॉज डोंट इनफ स्टोरेज। यहां तक देखिए, पहले जो मैंने लिखा है 480,000 रुपए वर्क सर्टिफाइड, और अनसर्टिफाइड कहता है बाद में कि हमारा जो अनसर्टिफाइड वर्क है वो है 15,000। तो वर्क नॉट सर्टिफाइड दैट इज 15। मैं धीरे धीरे चलूंगा इस क्वेश्चन में, मेरे को भागने की कोई जल्दी नहीं है। आगे कहता है क्वेश्चन में, एक्सपेंस चार्ज कॉन्ट्रैक्ट 25% ऑफ द वेजेस। कॉन्ट्रैक्ट में जो चार्ज होगा वो 25% ऑफ द वेजेस होगा, दैट इज आपका यहाँ पे टू एक्सपेंस लिख देते हैं, और 25% वेजेस 180 है, तो 180 का 25% कितने आ गए, 45,000। ठीक है, इसके बाद आगे देखा जाए तो क्या कहता है हमारा, कहता है आगे कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 10% लगेगा एंटायर ऑफ ईयर, यानी फुल ईयर का पर एनम है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन भी लगा देते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो प्लांट हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट हमारे दो टुकड़ों में है। सर दो टुकड़ों में है, बिल्कुल। एक प्लांट है 50,000 जो पूरे साल इस्तेमाल हो रहा है, और एक प्लांट है हमारा 2,00,000 रुपए जिसको कि सितंबर तक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार मैं फिर पढ़ लूंगा, तो इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, माइनस डेप्रिसिएशन। इस पे पूरे साल का मतलब 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, दैट इज आपका बचेगा 45,000 का ही। इस पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस होगा सर 2,00,000 रुपए पे, इंटू 9/12 इंटू 10/100 क्या आता है, ये कितने आए, 15,000 रुपए ये आ गया। यानी जो रिटर्न होगा वो 185 होगा। हमारे पास टोटल दो टाइप के प्लांट थे, एक पे पूरे साल का लगना है, तो एक देखिए रिटर्न जो होगा वो कितना होगा 185, और जो हमारे पास प्लांट बच जाएगा हमारे पास वो होगा 45,000। तो सो दैट मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं सर, यहां पे लिखने वाला हूं मैं प्लांट, रिटर्न लिखूंगा मैं 185, और जो बच गया प्लांट हमारा बाय साइड में प्लांट वो कितना लिखने वाला 45। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बता दीजिए, अभी तक जो ये फिल किया है इसमें क्या आएगा नहीं आएगा वो देख लेंगे, पहले यहां तक जो फिल किया है किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बता दें सर 480,000 कैसे आया, बिल्कुल। एक एक जिसका भी डाउट है ना पूछ ले एक एक डाउट, ताकि आगे बढ़ने में फिर बाद में दिक्कत आती है तो दिक्कत रहता है। ये मैं दोबारा बताता हूँ 480 कैसे आया है ना, हमारा देखो ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, देखो ना कितने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, 6,00,000 का। और क्वेश्चन में क्या कहता है भैया 6,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का ना, पहले उलझाने के लिए इसने देखो क्या बात बताई कि हमें जो कैश मिलेगा ना, कैश रिसीव जो होगा ना वो 75% होगा, कैश रिसीव की बात कर रहा है। तो भैया कैश रिसीव का वैसे भी कोई ज्यादा लेना देना है नहीं अभी मेरे लिए, बोल रहा है इसका 80% हमारा वर्क सर्टिफाइड हो गया है, वर्क सर्टिफाइड हो गया, ये सवाल में कहता है 80%, किताब में देखिए आप सवाल में कहेगा ये। तो 80% अगर वर्क सर्टिफाइड हो गया है तो कितने होंगे, 8 × 48 यानी 8 × 6 480,000। तो यहां से हमने निकाल लिया 480,000। सर ये 75% का कुछ नहीं करोगे क्या, 75% कैश रिसीव होगा ना, कितना आ रहा था कैश रिसीव बता दो, इसका 75% कैश, तो ये 360 कैश आ रहा है, वो हम आगे यूज करेंगे कैश रिसीव में। ये हो गया सर कैश रिसीव। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताइए, अब मैं पीछे चल लेता हूँ फिर से, ये रहा आपके सामने अकाउंट।
सर मटेरियल एट साथ मतलब कॉस्टिंग मटेरियल, मटेरियल एट साइट मतलब क्लोजिंग, हाँ बिल्कुल, मटेरियल एट साइट का मतलब होता है क्लोजिंग मटेरियल, और ऐसा नहीं मटेरियल एट साइट, साइट का मतलब साइट पे इस्तेमाल हो रहा है, डेट के हिसाब से डिसाइड करो ये क्लोजिंग है कि क्या है, बताइए। सभी को क्लियर है ये, बता दें फटाफट से। क्लियर है भाई सभी को? बिल्कुल सर क्लियर, अभिषेक ने भी बोल दिया, निधि ने भी बोल दिया, खुशी आप भी बता दीजिए आपके डाउट था ये क्वेश्चन। निधि यस क्लियर, क्लियर। चलिए नेहा ने भी बता दिया, निधि ने भी बता दिया, ओके। अब क्या करा जाए सर इसमें, अब करने के लिए बचा क्या है? अब बच्चों के मन में जहन में सवाल क्या आएगा सर, उस सवाल को निपटाया जाए पहले। सर आपने तो बोला था ये क्लोजिंग स्टॉक है, अब देखिए ध्यान से क्या कहता है यहां पे, ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ कंपनी का ट्रायल बैलेंस है सर एंगेजिंग द एक्सट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट 470, मतलब ये सर हमारा जो डेटा गीवन है ये एक साल का गीवन है और ये कंपनी का पूरा है, तो यहाँ पे जो मटेरियल होगा क्लोजिंग वाला ये पूरा कंपनी का होगा, इसका इस क्लोजिंग से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो इसके बाद काम स्टार्ट हुआ है, मतलब ये तो बन चुका था, ये पहले कहीं चल रहा था, इनकी कोई भी बातें यहाँ पे पूरी पूरी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। बिल्डिंग की बात कर रहा है, क्रेडिटर बात कर रहा है, बैलेंस शीट बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए कैश रिसीव कितना है, कॉन्ट्रैक्टी से कैश रिसीव आ रहा है 3 लाख रुपए, जबकि हमने देखा भैया क्या आ रहा था 360,000, तो ये दोनों फर्क इसलिए आ रहा है, मतलब इसको ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे सर। इसमें से कुछ इस्तेमाल, वेजेस का मतलब क्या है, जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे वेजेस 180 था और यहाँ पे भी वेजेस 180 था, तो कॉमन है, मतलब यही वाला है ये, अब मैच करोगे ऐसे। एक्सपेंस कितना है यहाँ 47 और यहाँ पे एक्सपेंस कितना आया 45, इसका मतलब 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो कि हमने नहीं दिखाया, 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो कि हमने नहीं दिखाया, तो ये 2,000 रुपए के खर्चे, यानी सर इससे बनेगा फाइनेंस का P&L, फाइनेंस का P&L, और जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना दैट इज ऑल्सो ये फाइनेंस का होता है सर, ये फाइनेंस का होता है, तो अगर कोई खर्चा दिखाना रह गया है बैलेंस शीट के अंदर तो हम क्या करेंगे, यहाँ के कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्यों सर यहाँ के कैपिटल, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस सब कुछ तो कैपिटल में ही चला जाता है, तो यहाँ कैपिटल यानी वो 2,000 जो एक्स्ट्रा है यहाँ यहाँ नहीं है, तो हम कहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ के कैपिटल से, कंपेरिजन करके जब बनाएंगे, तो हम पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को करने के बाद जब मैं बैलेंस शीट करूंगा तो आपको एकदम सब कुछ क्लियर होगा कि क्या करना है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट करते हैं सर, चलिए सर कंप्लीट कर दो कॉन्ट्रैक्ट, फिर बात करेंगे हम। कॉन्ट्रैक्ट 180 फटाफट टोटल करिए, इधर का टोटल क्या आया 7,35,000, 7,35,000, और क्या लिखा टू सरप्लस 90,000। फॉर्मूला देखेंगे सर, क्वेश्चन ने खुद ही बोला 80% हमारा वर्क सर्टिफाइड है, 80% काम कंप्लीट है, यानी 2/3 वाला लग जाएगा, 2/3 वाला लग जाएगा ना सर, 2/3 वाला फॉर्मूला याद है, भूल गए, 2/3, तो सरप्लस 90,000 इंटू में 2/3 इंटू में कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, और बोला इसने कि भैया 75% मिला है, तो आप डायरेक्ट 75% भी कर सकते हो, डायरेक्ट 75% भी कर सकते हो, नहीं तो आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा 75%। पुरानी क्लासेस जिसने देखी हो, जो बच्चे नए हैं ना इस क्लास के अंदर उनको समझ में नहीं आएगा, उनको स्टार्टिंग से देखेंगे चैप्टर बिल्कुल समझ में आएगा, और इस चैप्टर का पीछे उछे से ज्यादा कुछ खास लेना देना है नहीं। कितना है बताओ, कितने आ गए,
बताइए कितना आ रहा है। कितने आ रहे हैं? तो सर ये जो सीपीएल में आ जाएगा ना, 2 CPL, सही से निकाल रहे हो ना, और 2 WIP आ जाएगा, ओके 45,000। इसको इधर कर देता है, ठीक है। लो जी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दिया, बस अब बैलेंस शीट बनाने की बारी है। बैलेंस शीट अभी बना देता हूँ फटाफट। बैलेंस शीट में कैसे कैसे क्या क्या जाएगा अभी देख लेंगे फटाफट। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। अरे अभी पहुंचने तो दो वहां तक, बैलेंस शीट तक। पहले ही पूछ रहे हो इसमें से माइनस क्यों किया, ऐड क्यों किया। पहुंचेंगे तो समझ में आएगा आपको। पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्लियरेंस दे दो आप सब। सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लियर है। चलिए अब एक एक करके पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। सर सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्टी कैश रिसीव, इसको अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट, यानी सर बिल्डिंग अकाउंट तो एसेट्स है, कोई डेप्रिसिएशन की बात भी नहीं है। और बिल्डिंग अकाउंट थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह बचाने। चलिए इसको मिटा दे, एक बार नीट एंड क्लीन कर दें इसको। फिर से समझ में आ जाए आपको और सारी बातें दोबारा कर लेंगे। चलिए सर, इसमें दे रखा है अमाउंट रिसीव। अमाउंट रिसीव किससे मिला है? ये कॉन्ट्रैक्टी से। इसके बाद कहता है सर हमारे पास बिल्डिंग है, अमाउंट रिसीव को बाद में देखेंगे, 160 का, तो 160। सर हमारे पास बिल्डिंग है, कितने का बिल्डिंग है? 160 का, तो 1,60,000। 1,60,000 बिल्डिंग। और सर जो प्रॉफिट आया है ना, वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा अभी देखते हैं। इसके बाद सर क्रेडिटर है, ओके। लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, कितने का है? सर क्रेडिटर बोल रहा है 72,000। इसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर है, क्रेडिटर के बाद आगे आते हैं। क्रेडिटर के बाद बैंक का बैलेंस है 35,000। अच्छा सर बैंक का बैलेंस 35, ये तो एसेट्स है तो बैंक का बैलेंस यहां लिखेंगे 35,000। सर कैपिटल, ये तो लाइबिलिटी में जाता है, कैपिटल
5 लाख सर, इसमें प्रॉफिट भी तो ऐड करो। ओके, पी एंड एल ऐड कर देते हैं, कितना 45, टोटल हो गया 5 लाख, ये हो गया टोटल। ठीक है, क्या हुआ? अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं। अभी कैपिटल में बड़े सारे एडजस्टमेंट करेंगे, पहले ही आंसर देख के आप घबराए ना, आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करें। कुछ बच्चे आंसर देख के कर रहे हैं ये तो किया ही नहीं। मटेरियल कह रहा है सर 2 लाख। सर अब हमारे पास दो टाइप के मटेरियल हो गए, एक मटेरियल यहां पे पड़ा है 2 लाख का और एक मटेरियल कहाँ गया, ये रहा 4 हजार का। एक बार ये पहले देखिए, हमारे पास मटेरियल जो है वो कितने मटेरियल हो गए हैं। तो मटेरियल एक हमारे पास था कितने का सर, मटेरियल स्टोर कॉन्ट्रैक्ट में कितने का कहते हैं, 4 हजार का। और दूसरा मटेरियल कौन सा कहता है, स्टोर 30 हजार। हाँ चलिए मटेरियल की बात कर लेते हैं, आ जाए मटेरियल पे। सर मटेरियल जो टोटल था ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो इस्तेमाल हुआ वो कितना हुआ, 1,70। हमारे पास था 2 लाख का, 2 लाख में से यूज हुआ 1,70। अब हमारे पास अभी भी क्लोजिंग बचा हुआ है 30, और जो ये वाला 1,70 यूज हुआ ना, 1,70 इसमें से भी बच गया 4,000। तो मटेरियल जो लिखेंगे हम तो 30,000 तो जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच ही नहीं पाया वो बच गया, और जो मटेरियल इस साइट पे था वो भी आ गया, स्पेस कम है बाकी 4,000। पहले ये देखिए आप, पहले समझिए इसको। हाँ टोटल मटेरियल है ना क्लोजिंग का, जितना भी था हमारे पास ये था। अब इतना मटेरियल था यानी हमारे पास पड़ा हुआ था, अब इसमें से इस्तेमाल हुआ, ठीक है ना, इसमें से हमारे पास क्या हुआ इस्तेमाल, तो इस्तेमाल कितना हुआ सिर्फ और सिर्फ 170। तो 70 तो और 30 तो बची गया, देखिए 170 इस्तेमाल हुआ 30। तो अब जो 170 इस्तेमाल हुआ इसमें से भी 4 बच गया, तो टोटल 34 बच गए ना, टोटल कितने बच गए 34। पहले मटेरियल वाले कॉन्सेप्ट को देखिए, मटेरियल का पॉइंट क्लियर है। फिर WIP पे चलें, क्लियर। चलिए अब देखते हैं सर, मटेरियल भी लिख दिया, मटेरियल के बाद ये भी हमने कर दिया। अब आगे कहानी आती है सर प्लांट की, प्लांट की बात आती है। तो प्लांट मैं इकट्ठा ही लिख दूंगा, पीछे वर्किंग नोट कर देता हूं प्लांट का। देखिए ये प्लांट तो पूरे साल का डेप लगा तो इतना बचा, इस प्लांट पे 9 महीने बाद ही हमारा चले गया रिटर्न में, है ना, तो 1,85। अब मुझे एक बात बताइए, प्लांट को यूज फाइनेंस में क्या कहते हैं, फाइनेंस में ये कहता है आप इस्तेमाल करो या मत करो, डेप्रिसिएशन तो लगेगा, क्योंकि एक हमारा ये भी रूल होता है कि पासिस ऑफ टाइम रीजन ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन में, मतलब आप फाइनेंस में क्या करते हो, आपने प्लांट खरीदा,
कभी भी देखा आपने कि इस्तेमाल किया है नहीं किया, उस पर क्या करते हो, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाते हो। तो जब ये कॉस्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन फाइनेंस के लिए अगर हम चेक करेंगे ना, फाइनेंस के लिए जब चेक करेंगे ना, तो भैया 2 लाख का प्लांट था तुम्हारा और 10% का डेप्रिसिएशन लगा, सिंपल सी बात है, 1,80,000 आपका बचा होगा। तो ये प्लांट हमारा जो 1,80,000 है, ये फाइनेंस, और फाइनेंस के हिसाब से ही बैलेंस शीट बन रहा है। तो हमारा जो प्लांट बचेगा 45 तो ये बचेगा और 1,80,000 ये बचेगा। इसलिए मैं प्लांट पे दिखाऊंगा सर। कितना दिखाएंगे प्लांट में? प्लांट में दिखाएंगे, मैं यहीं पे प्लस कर देता हूं, 1,80,000 जो कि बच गया और 45,000। अब ये भी देख लीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो 1,80,000 और 45 कितने हो गए, 2,25,000। किसी बच्चे को डाउट इसमें बता दीजिए, किसी बच्चे को डाउट। बच्चे कह रहे हैं सर डिस्ट्रॉयड भी तो हो गया। हां भाई हां, 1,70,000 का था, इसमें से डिस्ट्रॉयड स्ट्राइड के बाद बचा 4,000। डिस्ट्रॉयड सब कुछ करने के बाद, खर्चा वर्चा नुकसान के बाद 4,000 बचा लिए इसने 1,70,000 में से। चलिए WIP पे आ जाए। चलिए सर WIP, तो WIP जब हम निकालते हैं, यानी डेटर होता है, तो पहले वर्क सर्टिफाइड लेते हैं, वर्क नॉट सर्टिफाइड लेते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, वर्क सर्टिफाइड 4,80,000 और 15,000, और फिर माइनस कर देते हैं रिजर्व जिसको हम मानेंगे ही नहीं, कितना, 45,000 जिसे हमने माना नहीं। कौन से वाला रिजर्व? ये वाला रिजर्व माइनस कैश रिसीव। क्वेश्चन में कहता है भैया कैश रिसीव जो है वो कितने का है, 3,00,000 का। चलिए माइनस प्लस करिए इसको, इसको माइनस प्लस करके बताइए। कितने, 70,000। ये सब 4,80,000 तो अकेला कैसे कर रहे हो आप? एक तो कैलकुलेटर लेके करेंगे वो करो, मोबाइल पे क्या होता है। अगली क्लास से हर कोई कैलकुलेटर लेके आएगा, बिना कैलकुलेटर के अलाउड नहीं करूंगा मैं किसी को। एक 50, एक 50, ठीक है, एसेट साइड का तो हो गया। अब लाइबिलिटी में आ जाते हैं सर। इस प्रॉफिट में ना, एक आप ध्यान से देखो, एक ध्यान से देखो, यहां पे एक तो डेप्रिसिएशन में फर्क आ गया, हमने रिटर्न में किया डेप्रिसिएशन ये और यहां पे ये, तो इसका मतलब 5,000 का रिटर्न के बाद भी डेप्रिसिएशन लगा। तो इसका मतलब सर वो 5,000 रुपए तो इस पीएल में आया ही नहीं, तो हमें सबसे पहले माइनस कर देंगे जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा, दैट इज 5,000। अब खर्चे की बात करते हैं सर, वेजिस सेम है, अब मैच करते जाएंगे, वेजिस सेम है, एक्सपेंस 47,000 है, और जबकि लगा कितना एक्सपेंस हमारा, लगा 45, यानी 2,000 और कहीं खर्च हो गए होंगे जो हमें पेमेंट करना होगा। तो ये भी माइनस करो वेजेस, जो लगाना भूल गए, कितने का था वेजेस, 2,000, तब जाके आपका ठीक आएगा ये। इसके बाद एक लॉस था, ये तो हमारा स्टॉक कम हुआ ना, ये एबनॉर्मल लॉस है जो कि P&L में जाएगा क्या। हाँ तो वेजेस का ही एक्सपेंस, अच्छा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सपेंस है, मैंने वेजेस लिख दिया, ये एक्सपेंस है भाई एक्सपेंस। और इसके बाद एक एबनॉर्मल लॉस हुआ जो पहले से ट्रायल बैलेंस में मेंशन ही नहीं है। तो हमारा एक एबनॉर्मल लॉस हो गया कितने का, 6,000 का। इसका मतलब सर अब जो हमारा कैपिटल निकल के आएगा, एक्चुअल निकल के आएगा, 5,45 माइनस 5,000 माइनस 2,000 माइनस 6,000, ये आ गया 5,32,000। 5,32,000 टोटल करिए, टोटल करिए, 1,60,000, 35,000, 30,000, 4,000, 25, 1,50,000, 6,04,000, और इधर भी टोटल करिए, 5,32,000, 5,32,000,
72, और ये भी आ गया हमारा 6,04,000। अब जितने बच्चों के डाउट्स हैं इसमें वो मैं क्लियर करता जाऊंगा। सर वेजेस रहेगा, सर कैपिटल वाला समझा दो। चलो कैपिटल वाला समझते हैं। देखो शुरू में कैपिटल ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था 5 लाख, प्रॉफिट ऐड हो गया, डेप्रिसिएशन 5,000। आप देखिए डेप्रिसिएशन की बात करें तो आपने, हमें तो फाइनेंस में सारा डेप लेना है, चाहे आपने कॉस्टिंग में लिया हो चाहे नहीं लिया हो। यहां पे अगर मैं बात करूं मुद्दे की बात, तो डेप्रिसिएशन कितना लिया है सिर्फ आपने, इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो पहले से आप सिर्फ 15 चार्ज कर चुके हो, जबकि इसके ऊपर एक्चुअल पूरे साल का कितना चार्ज होना चाहिए। तो इसका मतलब सर 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, हमने चार्ज कितना किया है 15। तो पहली बात, जो हमारा क्लोजिंग प्लांट होगा ये वाला हिस्सा 80,000 होगा, ये वाला हिस्सा कितना होगा हमारा 1,80,000। तो और जो 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन हमने कॉस्टिंग में नहीं चार्ज किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से पीएनएल में चार्ज करना होगा। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो चीजें इसके अंदर हम चार्ज करना भूल गए ये तो यहां पे हम अपने कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें टोटल खर्चे माइनस होंगे, चाहे कॉस्टिंग में आया हो चाहे ना आया हो। तो सीधी सी बात है कि अब हमने क्या देखा सर, डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए इसके अंदर नहीं आया। सर 5,000 कौन से की बात कर रहे हो, 2 लाख पे तो हमने 15,000 ही लगाया ना, जबकि 2 लाख पे कितना लगता टोटल ईयर का 20, तो वो 5,000 माइनस किया। एक्सपेंस कौन सा माइनस कर रहे हो, सर एक्सपेंस यहाँ 45 ही है और यहाँ पे देखा 47 है, तो 2,000 और खर्च कर दिए होंगे मैंने इधर उधर, तो वो भी माइनस किया। सर एबनॉर्मल लॉस यहाँ नहीं आया, यहाँ खर्चे में थोड़ी ना आया एबनॉर्मल लॉस, ये तो हमने स्टॉक को कम किया है बस, एबनॉर्मल लॉस का हमारा कहीं डिस्कशन ही नहीं था, तो एबनॉर्मल लॉस भी माइनस कर दिया। इस हिसाब से ये 5,32 बना हमारा, बताइए। सर कैश रिसीव 360 होगा शायद, 480 का, बिल्कुल। अब कैश रिसीव यहाँ पे बैलेंस देता है वो कट पीट के बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस जो दिया इसने काट पीट करके दिया। आई एग्री के कैश रिसीव, इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, आपका जो कैश रिसीव है वो एक्चुअल कैश रिसीव है, और यहाँ पे जो हमारे बिजनेस में कैश रिसीव पड़ा था हमने उसके हिसाब से माइनस किया। आप कहोगे सर कैश रिसीव यहाँ पे 360 माइनस कर दो वो बेहतर रहेगा, तो मैं कहूंगा वो भी 100% ठीक है। उसमें आंसर देखो कैसे आएगा, मैं बता देता हूं। आप यहां पे कैश रिसीव अगर 360 करोगे तो इसका मतलब ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा ना हमारा। जब ये वाला चेंज होगा तो यहां से प्रॉफिट भी चेंज होगा और यहां पे भी चेंज होगा, तो दोनों अल्टीमेटली एडजस्टमेंट लग जाएगा। तो जिन बच्चों को बोल रहे हैं सर यहाँ कैश रिसीव 360, तो आप 360 माइनस कर देना और उसके हिसाब से सारा एडजस्टमेंट करके इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका ये। सर वेजेस का ट्रायल बैलेंस में है, उसका क्या करेंगे। अब देखिए जो चीजें ट्रायल बैलेंस में और यहां डाला, इसका मतलब वो यूज तो हो ही गया, खत्म तो हो ही गया, उसका क्या करना है। ठीक है, WIP में क्या दिक्कत है, WIP देखो आपका क्या है, ये दे रखा था, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था हमारा। खुशी रिजर्व माइनस क्यों किया आपने WIP रिजर्व, तो मैं कहूंगा सारी वीडियो दोबारा देखें आप, इसका कोई इलाज नहीं है, सारी वीडियो ध्यान से देखो और एक बार नोटिंग करके भेजो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए। मैंने जब बैलेंस शीट का कराया था तो उसमें मैंने पूरा एक क्लास लिया था जिसके अंदर मैंने बताया था ये माइनस क्यों हो रहा है, आप उसको देखिए, आप आगे बढ़ के फिर परेशान रहेंगे इसमें, इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम बैलेंस शीट वाले में डन कर चुके हैं और पूरे 1 घंटे तक लगाया था हमने इसमें करा था। तो आप बैलेंस शीट में देखिए ना, मैंने बताया था ये डेटर होता है, डेटर में से ये डेटर के पैसे नहीं मिलेंगे, रिजर्व रख लेते हैं, तो हमें डेटर निकालने के लिए इसमें से रिजर्व माइनस करते हैं। देखिए कैश रिसीव, रिपीट, कैश रिसीव एक्चुअल में हमारा कितने का हुआ था, जबकि हमारे पास जो कैश रिसीव दे रखा था हमने इस बेसिस पे काम किया है। और रूल क्या कहता है कि भैया आपको जो कैश रिसीव हुआ है ना 480 का था, और 480 का 75% रिसीव हुआ, दैट इज आपने बताया, मैंने चेक भी नहीं किया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
480 का 75%, दैट इज 360। आपको 360 का कैश रिसीव है, तो आप बोलेंगे ना कि सर यहाँ 360 करो, तो मैं 360 भी कर दूंगा। जब मैं यहाँ पे 360 लूंगा तो अब हमारा एसेट्स के अंदर ज्यादा आ गया कैश रिसीव, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपना क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर या कॉन्ट्रैक्ट को भी कम करना पड़ेगा। यानी हमारे यहाँ पे फॉर्मूले में देखा जाए तो यहाँ पे भी बदलाव आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ जाएगा थोड़ा सा। तो जो कैश रिसीव 360 है ना, उसको इग्नोर करेंगे, हमें जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है ये कैश रिसीव लेके चलेंगे। थोड़ा सा मान लो इस क्वेश्चन वालों ने कंफ्यूज किया हुआ है, ठीक है। चलिए, एक सवाल ये था काफी बच्चों का। ऑनर्स में सेम इसी के जैसा मिलता जुलता आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी मिल जाएगा। बच्चे का कहना है सर 6000 माइनस एसेट्स में से लिख सकते हैं क्या, 6000 माइनस करके एसेट्स में लिख सकते हैं क्या? सर मटेरियल में 30000 में से 6000 माइनस करके एसेट्स में लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं 30000 तो ये अपना अलग है, 30000 तो हमारा यूज ही होने नहीं गया, तो खत्म कहां से हुआ? 6000 तो लॉस है, ये मटेरियल नहीं माइनस किया, एबनॉर्मल लॉस है ये। शिल्पी जैन चैप्टर 8.168, ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 8.16 ऑनर्स का है, प्रोग्राम का है? शिल्पी बताइए, 8.16 एक बार चेक करना, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया 8.16 क्या? शायद मुझे लग तो रहा है करा दिया है, एक 8.16, 8.22 अभी तो चलेगी, मान के चलो अभी एक सवा घंटा और है। चाबी चाहिए तो ऊपर ले लो, खाली हुआ तो। तो मेरा कहना था कि बाकी के क्वेश्चन देखो अगली क्लास आई है, एक और डाउट सेशन रखेंगे अगले संडे को, और जिनका इंटरनल है ना इन सभी का आंसर मैं करके भेजूंगा, मैं खुद बना लूंगा। शिल्पी ने भेजा है 16, मैं देख लेता हूं, मैंने करा तो नहीं रखा, अगर करा रखा होगा तो वीडियो डाल देंगे। हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, रिकंसिलेशन का डाउट नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल देखो, मैं डाउट सेशन लेता रहूंगा और उसको खत्म करूंगा तभी आगे जाऊंगा। बाकी मंडे नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और जैसे भी होता है मैं डाउट सेशन लूंगा, पुराने सारे लूंगा मैं। और कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल में डाउट हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ उसको सॉल्यूशन करके पीडीएफ डाल दूं, जिससे कि अपना आप चेक कर लो कहाँ गलती कर रहे हो।